तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। जैसा आपने अपनी मोबाइल स्क्रीन पर प्रीव्यू वीडियो देखा, ये वीडियो इंस्टा पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो मैं इसीलिए इस वीडियो को आपके लिए ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ। तो आज फिर हम इसी को बनाना सीखेंगे, तो चलते हैं फिर इसको आज बनाते हैं। तो देख सकते हो, यहाँ से मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद अब आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से अलाइट मोशन ऐप ओपन कर लेना है। अलाइट मोशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर लेना है। तो अब इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ से बैकग्राउंड ब्लैक या कुछ भी रख देना और 9.16 के रेशियो लेके आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आने लगेगा। तो यहाँ से क्या करना है, आपको नीचे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करके यहाँ से फर्स्ट आपको साउंड वीडियो एडिट कर लेना है। साउंड वीडियो जो रहेगा आपको टेलीग्राम पर या डिस्क्रिप्शन पर देखने के लिए मिल जाएगा, तो डाउनलोड करके एडिट करोगे। तो यहाँ से क्या करना है, इस पर क्लिक करना है इसी लेयर पे, और ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ से एक्सट्रैक्ट आईडी पर देना है, और जो वीडियो वाली लेयर है इस पर क्लिक करके इसे डिलीट कर देना है। तो यहाँ से इस प्रकार से इंटरफेस बचेगा। अब यहाँ से क्या करना है आपको, तो नीचे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है, और यहाँ से एक बैकग्राउंड के लिए कोई भी आप इमेज इसमें यूज कर सकते हो, जैसे मैं कोई भी कर लूँ ना। तो यहाँ से मैं इस फोटो को ले लेता हूँ और ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करके इसे फिल कंपोजिशन एरिया कर दूँगा। और यहाँ से क्या करना है आपको, इसको भी अंत तक कर देना जहाँ तक आपका वीडियो है, ठीक है, यहाँ तक कर दोगे जैसे ही। अब यहाँ से क्या करना है, नीचे इफेक्ट पे क्लिक करना है और एड इफेक्ट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से ब्लर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से गैसियन ब्लर सेलेक्ट कर लेना, या तो आप इसे ईजिली सर्च कर लेना, और इसको आप एकदम फुल कर देना, ठीक है, इसको 1 तक कर देना, ठीक है, 1। तो देख सकते हो, यहाँ से तो मैंने ये सारे लगा लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना, ये जो हार्ड वाली लेयर है इस पर इफेक्ट में जाना, स्पिन में जाना, ठीक है, और यहाँ पे इसके आरपीएम को पहले तो आपको इसको कम करके 10 कर देना, ठीक है, यहाँ से हम इसे 10 कर देंगे, ठीक है, और इसके फर्स्ट पोजीशन पर आपको एक की फ्रेम देना है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो, इसके की फ्रेम दे देना और नेक्स्ट में जाना, इसको आप यहाँ पर, अब नेक्स्ट जैसे की फ्रेम मैंने 1 सेकेंड पे लगाया, 2 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे, ठीक है, यहाँ पे जाना, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे एक -10 कर देना, या तो आप इसे यहाँ से ऐसे कम ज़्यादा करके भी कर सकते हो, तो वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में 10 कर देना, ठीक है। अब इसके यहाँ पे आप -10 कर देना, ठीक है। तो ये काम मैं कर लेता हूँ जल्दी से। तो देख सकते हो, मैंने यहाँ से सारे की फ्रेम तो मैंने ऐड कर दिए हैं। तो अब यहाँ से एक काम और करना है, जैसे इन दोनों, जैसे की फ्रेम एक ये है एक ये है, ठीक है, इन दोनों के बीच में आने के बाद आपको ग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और ग्राफ को कुछ इस प्रकार से करना है, ठीक है, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। और यहाँ से इस प्रकार से होने के बाद अब आपको क्या करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर कॉपी कर्व करके, ठीक है, नेक्स्ट पे जाना और यहाँ पर फिर से जाके पेस्ट कर्व टू आल की फ्रॉम्स, ठीक है, अगले पे जाके यहाँ पर पेस्ट कर्व टू आल की फ्रॉम पर क्लिक कर देना, ठीक है। ये सभी में इस प्रकार से हो जाएगा, ये काम आपका हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये जो मैंने बीट मार्क्स ऐड करे हैं, तो इनका भी अभी यूज़ बताऊंगा, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, इस वजह से मैं अभी एक की फ्रेम वो बीट मार्क नहीं हटा रहा, ठीक है। तो अभी यहाँ से क्या करना है आपको, नीचे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ से एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है, ठीक है, इसका कलर आप एकदम ब्लैक कर देना और इसके एकदम ट्रांसपेरेंसी पर जाना और इसको हल्का सा ट्रांसपेरेंट कर देना, ठीक है, ज़्यादा मत ट्रांसपेरेंट करना, पूरा नहीं करना है ना, इसे पूरा डार्क करना है, एकदम बीच में रख देना जैसे रखते हैं। और एडिट शेप पे जाना, इसके साइज़ को आपको इंक्रीज करना है कुछ इस प्रकार से, इसको 2 इसको देख लेना, इतना कर देना, ठीक है। और यहाँ से क्या करना, वाई पे जाना, इसको आपको थोड़ा सा कम करना है और इसके रेडियस को आपको इंक्रीज कर देना है, ठीक है, कुछ इतना, और इसके साइज़ को आप और एडजस्ट करना चाहो, मैं कुछ इसे इस प्रकार से कर देता हूँ, आप इसे वैसे भी कर सकते हो बट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है,
आपको जैसा अच्छा लगे वो कर सकते हो। ठीक है, आप इसे इतना रख देंगे और इसी में आपको क्या करना है, बॉर्डर एंड शेडो पे जाना, स्ट्रोक इनेबल करके वाइट कलर कर देना। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो इसमें भी शेडो दे देना आप, शेडो मत देना नहीं तो वो फिर पूरा ही ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही रहने देना और इसे भी आपको अंत तक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से इतना काम हो जाने के बाद अब यहाँ से एक आपको नीचे फिर से प्लस वाला आइकन क्लिक करना और यहाँ से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना और यहाँ पे हम एक बटरफ्लाई वाली इमोजी मैंने यूज़ करी थी वो कर देंगे। इस पे जाना और iOS फॉन्ट यूज करना, इसको एकदम ट्रांसपेरेंट कर देना और अलाइजन कर देना कुछ इस प्रकार से। और इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म से जाके एकदम ये जो हमने रेक्टेंगल वाली लेयर ली है इस पे जाके रोटेट कर देना, हल्का सा रोटेट करना ऐसे 37 कर देना। ठीक है, और इसके साइज़ को आप और इंक्रीज कर लेना अपने हिसाब से जितना आपको रखना हो, कुछ इस प्रकार से करके इसे भी आप आंधे तक कर देना। और इसमें भी शेडो दे देना आप। ठीक है, शेडो इसमें देना ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़ा सा तभी दिखेगा कि हाँ उसके पीछे कुछ शेडो है तो अच्छे से दिखने लगेगा। ठीक है, इतना काम हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, अब इतना काम होने के बाद अब यहाँ से आपको बैक करना है और आपको नेट अपना ओपन कर लेना। ठीक है, और यहाँ से जाना इंडियन फ़ोन कन्वर्टर ऐप, ये आपको प्ले स्टोर में इजीली मिल जाएगा। ठीक है, इसको जब ये ओपन करोगे तो यहाँ से इस प्रकार से आएगा। ठीक है, इसको आप एड को हटा देना। इसमें आपको फर्स्ट में देखेगा श्रीलिपि, यूनिकोड टू श्रीलिपि। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर लिखना फर्स्ट में माँ दुर्गा लिख देना कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद अब आपको यहाँ क्या करना, यूनिकोड में क्लिक कर देना। यूनिकोड में जैसे ही क्लिक करोगे एड आ गया, बट ये 4-5 सेकेंड का आता है। ठीक है, इसे कट कर देंगे हम यहीं से, देख सकते हो। और यहाँ से आपको यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिख के आ चुका, बट आपको कॉपी यहाँ पे क्लिक कर देना, ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसका काम हो चुका। अब इसको हटा देंगे हम, फिर से हम वापस से उसी में चले जाएंगे, नेट ऑफ कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से नीचे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और वही कोड आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। और यहाँ से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक फ़ॉन्ट का लिंक मिलेगा, आपको उसको यूज करना है। ठीक है, तो वो फ़ॉन्ट कहाँ गया हमारा, ये रहा श्रीदेव यूनिकोड है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो। अब इसका कलर को आपको वाइट कर देना, इसके अलाइजन कर देना और इसके साइज़ को आपको बड़ा कर देना अपने हिसाब से, राइट वाले पे क्लिक करके इसे एकदम अच्छे से एडजस्ट कर देंगे माँ दुर्गा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ से इस प्रकार से कर देंगे, इसको भी आप अंत तक कर देना। ठीक है, इतना काम हो जाने के बाद अब आपको यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको म्यूजिक को सारा सुनना है। ठीक है, कि कैसे क्या है, कि कौन सा वर्ड कहाँ से है। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ, मैं इफ़ेक्ट बता देता हूँ और एक टेक्स्ट लिख के बता देता हूँ। यहाँ से टेक्स्ट पर क्लिक करना है, यहाँ से जैसे कुछ भी कर देना, मैं जैसे यहाँ से टेक्निकल महात्मा कर देता हूँ अभी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर टेक्निकल महात्मा करा, इसको आपको यहाँ पर ले आना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको इसमें वाइट कलर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अपना लोगो नहीं लगाना है, मैं लोगों का नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये यहाँ तक है तो मतलब जैसे आप बीट मार्क लगा लेना जैसे ही म्यूजिक को सुन के। और यहाँ पे ये जैसे टेक्स्ट की लिरिक्स है, लिरिक्स मान के चलो, और इफेक्ट पे क्लिक करना है, एड इफेक्ट पे क्लिक करना। यहाँ से आपको क्या करना है, टेक्स्ट पे जाना और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देना और यहाँ से फेड अप बाय लेटर कर देना। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, इफेक्ट आपका लग चुका है। इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेना तो कुछ इस तरह से आपके आने लगेगा। ठीक है, यहाँ से आपका टेक्स्ट एनिमेशन रेडी हो चुका है। ठीक है, बस इसी लेयर को कॉपी करना और पेस्ट करते जाना। ठीक है, आपका क्या होगा, इससे आपके जो लिरिक्स हैं वो रेडी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जितने भी हैं लिरिक्स मैं दिखा देता हूँ किस तरह से मैंने किया है। यहाँ से मैं अपने ओल्ड प्रोजेक्ट पर जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये रहे मेरे कहाँ गए, ये देख सकते हो, यह 17 दीवाना में। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है, 17 दीवाना में तेरे उत्ते मर्दा में। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखना है, जब इस प्रकार से लिख लोगे आप तो ये हो जाएगा इसी प्रकार से। ठीक है, और मैं टेक्निकल महात्मा वाली लेयर डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आपको टेक्स्ट एनिमेशन लिख दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा, इस वजह से मैं टाइम की बचत करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से क्या करना, यहाँ पर एकदम इसके बीच में आना। ठीक है, यहाँ से आ जाना वहाँ पर फर्स्ट में, क्योंकि हमारा वो रहेगा। यहाँ से नीचे प्लस वाले पे क्लिक करना, एक रेक्टेंगल लेना, इसको पूरा फिल कंपोजिशन कर देना, इसमें कलर आप वाइट कर देना और इसके थोड़ा सा आगे देख सकते हो, जरा सा ही आगे गया, बस इसको यहाँ से कट कर देना है और इसके फर्स्ट पोजीशन पे आना यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करना, यहाँ से एक इमोजी ले लेना हार्ट वाली या कोई भी ले लेना आप, बाय द वे कोई भी। और यहाँ पे आप iOS फॉन्ट यूज कर देना,
और इसके साइज़ को आपको इंक्रीज कर देना है, अलाइजन कर देना, और इसके साइज़ को आप और इंक्रीज करना था तो इतना कर देना, ठीक है। और इसे भी आपको कहाँ तक रखना है, जहाँ तक आपका ये है इतना ही रखना है, ठीक है। इसमें भी आपको शेडो देना है, बॉर्डर नहीं देना, शेडो बस देना है। इसका शेडो और थोड़ा बढ़ा देंगे, यहाँ से इसको जीरो कर देंगे, तो कुछ इस प्रकार जैसे प्ले होगा तो इस प्रकार से आएगा, ठीक है। अब इतना काम हो जाने के बाद अब आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से ग्रुप एंड मास्क वाली लेयर पे जाना है, इसके बीट मार्क पे चले जाना है। जैसे मैंने सारे बीट मार्क लगाए थे, बताया था इसका टाइमिंग, तो यहाँ से आपको इफेक्ट में जाना है, एड इफेक्ट में जाना, यहाँ पे ऊपर सर्च बार पे सर्च करना है एक्सपोजर, ठीक है। एक्सपोजर एंड गामा सर्च करोगे तो फर्स्ट इफेक्ट आपको कर देना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। इसके बीट मार्क थोड़ा सा पहले आपको एक की फ्रेम देना है, और इसके एकदम बीट मार्क पे, ठीक बीट मार्क पे आपको इसको पूरा इंक्रीज कर देना है 2 तक, और इसके थोड़ा से ही आगे आपको इसे पूरा जीरो कर देना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब नेक्स्ट बीट मार्क पे जाना है, फिर से यहाँ से एक उसके बीट मार्क के पहले एक की फ्रेम देना है, और इसमें फिर से आपको इसे 2 तक इंक्रीज कर देना है, और इसके आगे फिर से आपको इसे जीरो कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से सभी में कर लोगे तो कुछ इस प्रकार से आने लगेगा, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब आपको यहाँ से क्या करना है, जब इस प्रकार से कर लोगे, यहाँ से नीचे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना, मीडिया पर क्लिक करके यहाँ से आपको एक पार्टिकुलर इंक पेंट वाला वीडियो मिलेगा, तो उसको ऐड करना। इस पर आपको क्या करना, इसके ऊपर जाना, यहाँ पे इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना, और इसके रोटेशन कर देना एकदम 90 डिग्री माइनस में या प्लस में, ठीक है। और ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना, और ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी में जाना, लाइटन पे क्लिक करना, स्क्रीन पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये इस प्रकार से हो जाएगा, इसको आपको यहाँ तक रखना है, यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को आपको इसे कट कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये दोनों जो लेयर्स थी, ठीक है, ये वाली, इन दोनों लेयर्स को आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से, ठीक है। इन दोनों को कॉपी करोगे यहाँ से, कॉपी टू लेयर, इन दोनों बीट मार्क्स के बीच में आपको फिर से जाके इनको पेस्ट कर देना है। बस यहाँ से आपको इमोजी चेंज कर देना है, जैसे यहाँ पे हमने हार्ड वाला दिया है, तो यहाँ पे आप कोई और कर सकते हो। देख, तो मैं एक बता देता हूँ, इसको एडिट टेक्स्ट में जाना, इसको डिलीट करना, और यहाँ से आप कोई भी एक इमोजी इसमें दूसरी सिलेक्ट कर लेना। इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ से प्ले करोगे तो देख सकते हो कुछ इस तरह से इंटरफेस आने लगेगा, और नीचे लिरिक्स आप ज़रूर से दे देना। मैं टाइम बचत करने की वजह से नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं उसको एक एक करके बताऊँगा, तो बट आप समझ जाओगे कि कैसे क्या करना है। फॉन्ट आपको सारे मिल जाएंगे, मैंने उसमें दिखा देता हूँ, मैंने उसमें फॉन्ट कौन से यूज किया है। मैंने उसमें अमस स्टैंडम करके है फॉन्ट, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा था। ये देख सकते हो 17 दीवाना में है, एडिट टेक्स्ट में जाऊँगा, यहाँ से देख सकते हो मैंने अमस स्टैंडम्स करके लिया है फॉन्ट, इसमें वही फॉन्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ से जाकर उसे यूज कर लेना, ठीक है। और बाकी देख सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं है, बाकी मैंने सेम ही बनाया है, सारा कुछ है। बट इसमें जैसे ये बस लिरिक्स को आपको ज़रूर से लिखना है, लिरिक्स में लिखूँगा तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इस वजह से मैं नहीं लिखना चाहता, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, तो फिर मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।